गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मार्कोनिकोफ रूल्स। ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनएपी एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, पार्ट चैप्टर थर्ड एलिफैटिक कंपाउंड से। इसमें भी हम देखेंगे एल्कीन। तो मार्कोनिकोफ रूल होता क्या है, ये एडिशन रिएक्शन के लिए है। जब भी हम कोई एच एक्स की रिएक्शन करते हैं, जहाँ पर एच हाइड्रोजन, एक्स फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन कुछ भी हो सकता है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो आपका एच एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, एसिमेट्रिक एल्कीन के किस कार्बन से जुड़ेगा, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ऑलवेज ये जुड़ता है आपका जहां पहले से ही मैक्सिमम कार्बन है, तो इसे मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आता भी है। तो देखिए, मार्कोनिकोफ रूल इन एडिशन ऑफ एच एक्स टू एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, द एच पॉजिटिव ऑफ एच एक्स गोज टू द डबल बॉन्डेड कार्बन दैट ऑलरेडी हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस रूल इज नोन एज मार्कोनिकोफ रूल्स। यानी सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, एसिमेट्रिक कहेंगे तो जिनमें आपके हाइड्रोजन एटम डिफरेंट डिफरेंट हो, एसिमेट्रिक एल्कीन कहलाता है। तो एसिमेट्रिक एल्कीन की अगर हम बात करेंगे, देखिए सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये आपका एसिमेट्रिक एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद एक हाइड्रोजन है, इसके बाद टू हाइड्रोजन है। तो हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम एच एक्स से करते हैं, तो ये एच एक्स जो है, एक्स क्या है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है एच एक्स का, पॉजिटिव पार्ट हो गया एच पॉजिटिव, एक्स निगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा कहां पर जुड़ता है, कह रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम हो। इस पर तो एडिशन होगा नहीं, एडिशन जो होता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू पे होगा। तो इसके पास वन हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स निगेटिव। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कहते हैं मार्कोनिकोफ रूल्स। तो देखिए फिर से देख लीजिए इसे क्या कह रहा है, इन एडिशन ऑफ एच एक्स टू एनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द एच पॉजिटिव पार्ट ऑफ एच एक्स गोज टू द डबल बॉन्डेड कार्बन दैट ऑलरेडी हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस रूल इज नोन एज मार्कोनिकोफ रूल्स। एग्जाम्पल देखिए, एसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं हम, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, जो भी एडिशन होगा, एक साइट एच जुड़ेगा, ए साइट एक्स जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। तो एडिशन रिएक्शन है इसमें, इसे हम कहेंगे काउंटिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री, काउंटिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आता है, ग्रुप नजदीक आता है। तो इसका नाम हो जाएगा वन प्रोपीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं एच एक्स की जगह पर, हम ले लेते हैं एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले तो सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू कर दो, डबल बॉन्ड को हटा दो, यहां पर एडिशन होना है। एच सी एल को अगर हम तोड़ेंगे तो एच पॉजिटिव सी एल निगेटिव। तो बात कर रहा है कि एच पॉजिटिव कहां पर जुड़ता है, जिसके पास ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसके पास टू हाइड्रोजन है, इसके बाद वन हाइड्रोजन है। H कहां पर जुड़ेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री, यहां पर आ जाएगा सी एल, इसका नाम देखिए वन टू थ्री, टू क्लोरो प्रोपेन ए एन ई आ जाएगा, इस पर आप सिंगल बॉन्ड आ गया है। तो ये आपका क्या हो गया, मार्कोनिकोफ रूल हो गया। मार्कोनिकोफ रूल यही कहता है कि जो एच एक्स का पॉजिटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा, तो किस कार्बन से जुड़ता है, जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम पहले से हो, वो किसमें दिखा जाता है। देखो मैक्सिमम तो इसके पास है सी एच थ्री के पास, इससे तो एडिशन हो ही नहीं सकती, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो एडिशन होगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू के बिटवीन होगा, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम किसके पास है, सी एच टू के पास, यहां जुड़ गया तो टू क्लोरो प्रोपेन हो गया। अब ऐसा होता क्यों है कि प्रोडक्ट यही क्यों बना, ये सी एल ये एच यहां पर भी जुड़ सकता था, तो क्या हो जाता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, वन क्लोरो प्रोपेन भी बन सकता था, और क्या बन सकता था,
टू क्लोरो प्रोपेन भी बन सकता था। तो ध्यान दीजिए ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले रिएक्शन लिख ली, सॉरी पहले थ्योरी दे दी फिर रिएक्शन दे दी, अब इसके मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म हम एससीएल ले रहे हैं तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसका आयनाइजेशन करेंगे, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेप, सबसे पहला HCl से आयनाइजेशन होगा HCl, इस पे देखिए सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन H का है एक Cl का है, अगर हमें यहां पर H में दिया होता तो एक ऐसे टूट जाता, रेडिकल में टूट जाता। अब इसमें देखा जाता है बॉन्ड होमोलिटी ना टूट के हेटेरोलिटी टूटेगा, यहां पर हम लेते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। तो इसमें हम ये देखेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड का मीनिंग होता है जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीएल की ज्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया सीएल ले गया, दिखाते हैं फुल हेड एरो से, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये आपका आयनाइजेशन हो गया, प्रोटॉन बन गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टेप सेकंड में देखेंगे कि प्रोडक्ट आपका यही क्यों बना, इसका एक इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर मेजर प्रोडक्ट, मेजर रहने दो, ये मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, दूसरा एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट होगा उसको हम परोक्साइड में दिखाएंगे, यहां पर यही रिएक्शन लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्टेप सेकंड में हम करेंगे H पॉजिटिव का अटैक करेंगे, और H पॉजिटिव पे अटैक कौन करता है, रिज ग्रुप करता है, रिज ग्रुप होते हैं नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो एसिमेट्रिक एल्कीन है उसके पास क्या है डबल बॉन्ड है। स्टेप सेकंड प्रोटोनेशन स्टेप, एच पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते थे, प्रोटॉन का अटैक को कह देते प्रोटोनेशन स्टेप। एसिमेट्रिक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एच पॉजिटिव, ये पोअर ग्रुप है एच पॉजिटिव, जो भी इस पर अटैक करेगा रिच ग्रुप अटैक करेगा, रिच ग्रुप होते हैं या तो उस एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पे इलेक्ट्रॉन हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसके पास क्या है डबल बॉन्ड है। अब अटैक करने की दो कंडीशन है, ये कार्बन भी अटैक कर सकता है ये कार्बन भी अटैक कर सकता है, देखिए पहले हम इस कार्बन का अटैक दिखाए, ये इधर जाएगा ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहां निगेटिव आ जाएगा यहां पॉजिटिव आ जाएगा, तो अटैक कौन करेगा ये अटैक करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा H, ये देख लीजिए, या डायरेक्ट ऐसे दिखा लीजिए इस बॉन्ड ने अटैक कर दिया H पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, कैसा ये बॉन्ड इधर आया तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव ने अटैक कर दिया H पॉजिटिव पे तो क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये बन गया CH3 CH CH3 पॉजिटिव। अगर इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, सपोज करो ये अटैक करता इधर को, यहां नेगेटिव आता और यहां पॉजिटिव आता, ये नेगेटिव अटैक किस पे कर लेता H पे, तो ये बन जाता CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, ये इधर को टूटा यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, नेगेटिव ने H पे अटैक कर लिया तो क्या बन गया CH3 CH पॉजिटिव CH3। दूसरा ये बॉन्ड इधर टूटा यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इस नेगेटिव ने अटैक कर लिया H पे CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, तो आप देखिए क्या होता है, जो भी सेंट्रल कार्बन होता है ये पॉजिटिव है, इसके पास अगर एक एल्किल ग्रुप हो R 1 डिग्री कहलाता है, अगर इसके पास दो हो 2 डिग्री कहता है कहलाता है 1 डिग्री 2 डिग्री,
अगर थ्री हो ये कहलाता है थ्री डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, वो होता है थ्री डिग्री, फिर टू डिग्री, फिर वन डिग्री। ये हो गया। अब इसमें देखिए, इस सेंट्रल कार्बन के पास एक सी एच थ्री इधर को है, इधर को है, तो ये बन गया टू डिग्री कार्बोकैटायन। और इसके पास टोटल एक ही माना जाएगा, ये एक ही साइड को एल्किल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा वन डिग्री कार्बो कैटायन। और ध्यान दीजिए, जो टू डिग्री होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। अगर यहां पर थ्री डिग्री बनता तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। थ्री डिग्री के लिए हमें फोर कार्बन चाहिए, इसके बाद थ्री कार्बन ही है, तो इस पॉसिबल है नहीं थ्री डिग्री कार्बोकैटायन बनाना। तो इससे टू डिग्री ही कार्बोकैटायन बन सकता है, तो मोर स्टेबल हो गया। इसके कंपेरिजन में हम इसको देखेंगे वन डिग्री को, तो लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब ध्यान दीजिए, इसको निगेटिव चाहिए, सीएल निगेटिव है हमारे पास, सीएल निगेटिव या तो यहाँ पे अटैक करे या तो यहाँ पे अटैक करे। अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। स्टेप सेकेंड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। ध्यान दीजिए, अब कंफर्म हो गया कि इस पे अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो लेस स्टेबल बनेगा। ये हमको बनाना ही नहीं है, मेनली हमको कौन सा लेना है, टू डिग्री कार्बोकैटायन लेना है। सी एच थ्री, सी एच पॉजिटिव, सी एच थ्री प्लस सी एल निगेटिव। ये सी एल निगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आए, सी पे अटैक कर लेंगे फुल हेड एरो से। ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री। तो इसीलिए इसमें जो बात बताई हमने कि H पॉजिटिव हमेशा कहाँ पे अटैक करता है, जिसके हम मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम पहले से ही हो। तो ये बन गया वन टू थ्री, कहीं से भी देखो, यहां से भी कर सकते हैं, वन टू थ्री, टू पे ही आ रहा है पोजिशन, टू क्लोरो प्रोपेन। ये बन गया, इसे हम कहते हैं मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले थ्योरी लिखनी है, ध्यान रिएक्शन देनी है, मैकेनिज्म देनी है, और यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो कि मार्कोनिक ऑफ रूल कहना क्या चाहता है। वो ये कहता है कि एसिमेटिक एल्कीन की रिएक्शन अगर हम कोई भी एच एक्स से कराए तो उसका एच पॉजिटिव हमेशा जहां पर मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम पहले से है वहीं पे अटैक करेगा। और वो क्यों करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की वजह से। तो सबसे ज्यादा थ्री डिग्री, फिर टू डिग्री, वन डिग्री। अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए मार्कोनिक ऑफ में जिसमें फोर कार्बन एटम हो, तो उससे हम ये देखेंगे कि उसमें पॉसिबिलिटी अगर थ्री डिग्री कार्बोकैटायन बनाने की है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।